हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। तुम्हारी माया तुम्हारी राधा को कितने कितने रूपों में भटका रही है। राधा, यही तो द्वैत और अद्वैत का रहस्य है कि द्वैत के अंदर अद्वैत और अद्वैत के अंदर द्वैत छुपा हुआ है। जब इस सत्य को समझ लोगी तो माया की शिकायत नहीं करोगी। मैं सीधी साधी ग्वालिन, मैं इतनी गहरी बात नहीं समझ सकती। ये बात गहरी अवश्य है, परंतु इसका अर्थ बहुत सीधा है। अर्थात? अर्थात ये कि माया की दृष्टि से चारों ओर जो अलग अलग रंग, अलग अलग चेहरे, अलग अलग प्राणी हम देखते हैं, वो सब अलग अलग नहीं है, वो सब एक ही हैं, राधा और कृष्ण। इस संसार में जो कुछ है, जो कोई है, वह केवल राधा और कृष्ण ही है। राधा और कृष्ण के सिवा इस संसार में और कुछ नहीं है। एक चीज है। वो क्या? प्रेम। राधा और कृष्ण का प्रेम। उसके बिना तुम्हारा संसार किसके आश्रय पर टिकेगा? आहा, कितनी सत्य बात कही है और कितनी सुंदर बात कही है तुमने। हमारे इतने लंबे चौड़े तर्क को एक शब्द से ही हटा दिया तुमने। आज हम फिर हार गए राधा। तो भगवान ने हार मान ली? हाँ, एक प्रेम के आगे ही तो भगवान भी हारते हैं। तुमने सत्य कहा, प्रेम के बिना ये संसार कैसे टिकेगा? प्रेम के बिना तो ये संसार उजड़ जाएगा, वीरान हो जाएगा, क्योंकि प्रेम ही जगत का सार है और प्रेम ही इस सृष्टि का आधार भी है। प्रेम जगत का सार रे मनवा, प्रेम जगत का सार। प्रेम पुजारिन राधे रानी हो, प्रेम पुजारिन राधे रानी, कृष्ण प्रेम अवतार रे मनवा। प्रेम जगत का सार रे मनवा, प्रेम जगत का सार। जमुना प्रेम ही राधे, प्रेम ही कृष्णा, एक दूजे के ये अनुरागी, सब में जगाए प्रेम की तृष्णा। I'm